मध्य प्रदेश के कटनी में एक मिशनरी संस्था में बच्चों को ईसाई बनाने का काम चल रहा था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इसकी भनक लगी तो आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इस मामले का खुलासा किया और इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। बच्चों से जोर जबरदस्ती कर ईसाई प्रार्थना करवाने और उन्हें धीरे धीरे ईसाई बनाने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत बच्चों ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो से की थी। शिकायत मिलने पर प्रियंक कानूनगो कटनी पहुंचे और झिंझरी स्थित एक मिशनरी संस्था का औचक निरीक्षण किया। वहां के बच्चों ने बताया कि लंबे समय से SC ST के बच्चों को स्कूल में खेल से लेकर पढ़ाई लिखाई में परेशानी करते हुए क्रिश्चियन प्रार्थना करवाने का दबाव डाला जाता है। प्रियंक कानूनगो को बच्चों के पास से क्रिश्चियन धर्म की किताबें और हिंदू आदिवासी व दलित बच्चों से उन्हें ये भी बताया कि उनसे जबरन क्रिश्चियन धर्म की प्रार्थना कराई जाती है। बच्चों के निजी दस्तावेजों में छेड़छाड़ किए जाने एवं बच्चों के कूट रचित दस्तावेज तैयार किए जाने के प्रमाण भी यहाँ मिले हैं, जिस पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने माधव नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहाँ बच्चों को पर्टिकुलरली क्रिश्चियन धर्म की प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। हमने बच्चों से जब ये जानना चाहा कि उनको किस तरीके की तकलीफ है, तो बच्चों ने बताया उनको दवाइयाँ इलाज के लिए दी जाती हैं, उनका सही इलाज नहीं कराया जाता है। जो बच्चे खेल में रुचि रखते हैं उनको खेलने नहीं दिया जाता है। बच्चों को नी कैप जैसी बेसिक आवश्यकताएं, उनके घुटनों में दर्द होते हैं, वो नहीं दी जाती हैं। इसके अलावा बच्चे जब मना करते हैं तो भी उनको ज़बरदस्ती क्रिश्चियन धर्म की प्रार्थनाएं करवाई जाती हैं। ये जबरन धर्मांतरण का ही मामला प्रतीत होता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा औचक भ्रमण किया गया, जिसमें उन्होंने एक कटनी में संचालित एक मिशनरी संस्था आशा किरण नवोदय सोसाइटी का भ्रमण किया। वहाँ उन्होंने बच्चों से बातचीत की। बच्चों के द्वारा कुछ ऐसी शिकायतें की गई कि उन्हें एक किन्हीं अन्य धार्मिक समुदाय की पुस्तकें दी जाती थी और कुछ ऐसी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए संस्था के कुछ लोगों द्वारा बोला जाता था। तो इस संबंध में जो शिकायत प्राप्त हुई है, माननीय अध्यक्ष जी के बयान के आधार पर प्रथम दृष्टया कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।